हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल निक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 31 दिसंबर लास्ट डेट है बैंक अकाउंट और आधार को लिंकिंग की, और हम में से बहुत से लोगों ने कराया है। पर क्या कभी हमने क्रॉस चेक किया कि हमारा बैंक और आधार लिंक हुआ है कि नहीं? तो इस वीडियो में आपको मैं कैसे लिंक चेक करेंगे वही बताने जा रहा हूँ। ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इससे एक और पॉपअप पेज खुलता है। अब यहाँ पे हमें अपने आधार की डिटेल देनी है। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद अब हमें इंटर सिक्योरिटी कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मैं अपना आधार नंबर दे रहा हूँ। इसके बाद सिक्योरिटी कोड और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये ओटीपी उस नंबर पे आएगा जो नंबर हमने आधार बनवाते वक्त दिया था, वही हमारा रजिस्टर्ड नंबर कहलाएगा। अब ओटीपी जैसे ही आता है मैं यहाँ पे ओटीपी दे दूँगा। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है ओटीपी को आने में। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं ओटीपी देता हूँ। और इसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बैंक का नेम है और ग्रीन टिक हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि मेरा आधार और बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपना आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग हुआ है कि नहीं जान सकते हैं। वीडियो